हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन बाजार कैसा ओपन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या आ सकती है और ज़्यादा गिरावट, या हो सकता है इस जगह से रिकवर, सब कुछ बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे बड़ी जो खबर हमको देखने वाली वो यूएस मार्केट से देखने वाली, जो एफआईएस ने सेलिंग किया वो अभी तक काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन अब क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जो हो चुका है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी मैंने आपको इस जगह बताया था कि जो टॉप बना था, देखिए जो बाजार के अंदर टॉप बना था, जो बाजार में टॉप बन चुका है इसके बारे में कैसे पता चलता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका 14,000 करोड़ का किसने माल खरीदा था, जो लोग हमारी पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता है कि टॉप पे 14,000 करोड़ का माल एफआईएस ने खरीदा था। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमको ये देखने को मिला कि एफआईएस ने खरीदा। दूसरा चीज़ हमको क्या देखने को मिला था कि दूसरी चीज़ हमको देखने को मिली थी कि एफआईएस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सालों के बाद एक दिन के अंदर 14,000 करोड़ का माल खरीदा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे ये देखने को मिली। तीसरा हमको क्या देखने को मिला था, तीसरा हमको देखने को मिला था कि इतनी बड़ी गलती एफआईएस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब हमको तेज़ी देखने को मिली थी, डीआईएस आपके खुल के माल खरीद रहे थे, यहाँ पे हमको देखिए डीआईएस की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट इस जगह 25,000 करोड़ के आसपास की। लेकिन जब इसने टॉप बनाया और अपने रजिस्ट्रेंट के पास आया तो वहाँ पे देखिए एफआईएस ने क्या किया कि 14,000 करोड़ का माल खरीदा। अब देखिए, जब जे वाला जो कैंडल बना, देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जे वाला जो कैंडल बना तो यहाँ तक तो देखिए एफआईएस होल्ड कर सकते थे और उन्होंने होल्ड किया, लेकिन जैसे इस कॉलम का यानी इस लेवल का देखिए ब्रेकडाउन हुआ, यानी इस लेवल का देखिए जैसे ही हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो जो 14,000 करोड़ का हमारे पास देखिए माल खरीदा था वो हमारा इस जगह निकलना चालू हो गया। और जितने लोग देखे इस डेटा को देख के बाइंग करना चालू किए थे, इस डेटा को देखे बाइंग करके माल को होल्ड किए थे, उन लोगों ने भी देखे यहाँ पर सेलिंग करना चालू किया। अब समझते हैं, ये तो हुआ टेक्निकल लेवल के बारे में समझते हैं, अब ऐसा होता है क्यों है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब भी देखिए बड़ी पोजीशन बनती है तो उस बड़ी पोजीशन को आप नहीं, मैं नहीं, बाकी सब लोग उस पोजीशन को देखते हैं। जब सब लोगों को वो पोजीशन दिखाई दे रही है तो वहाँ पे सब लोगों के वहाँ पे बाइंग या सेल या होल्ड के ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि एक रिकमेंड हमारे मन के अंदर आ जाती है कि यार उन्होंने इतना खरीदा तो हम तो इतना खरीद ही सकते हैं। जब वो 14,000 करोड़ का माल खरीदते हैं तो हम 1,400 रुपये का माल तो खरीद ही सकते हैं, ये हमारे मन के अंदर एक आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों आ जाता है यहाँ पे आप समझो। पहली बात कि एफआईएस के पास देखिए बड़ा पैसा है तो बड़ी रिसर्च टीम भी होगी। ठीक है, तीसरी बात हमको देखिए जब बड़ा पैसा लगा है तो वो हमारे दूसरे कंट्री के अंदर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा देखा करो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमको क्या क्या देखना है। जब हमारे कंट्री से बाहर के लोग हमारी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात थी कि मैंने आपको बोला था कि उन्होंने नीचे क्यों नहीं खरीदा। मैंने अपने YouTube चैनल पे ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे FIS कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अगर वो फंसे हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो भी देखे यहाँ पे लिखा था कि FIS ने देखे 14,000 करोड़ का देखे माल खरीदा और बाजार बिग तरीके से रिवर्सल होगा, यानी जब इसने टॉप बनाया तो वहाँ से देखे बिग तरीके से देखे रिवर्सल होगा, और बाजार अगर आप देखो तो अच्छे खासे लेवल के साथ देखे रिवर्सल हुआ है नीचे की साइड। अब ये कितना जा सकता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन मैं आपको थोड़ी बताना चाहूँगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस चीज़ को देखिए अपन समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा डेटा का खेल है। अगर आप डेटा को समझना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हो तो आपको डेटा पैसा बना के देगा। ठीक है, चार्ट को देखिए सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन डेटा, साइकोलॉजी, लेवल, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सबसे पहले मैं आपको ये अक्टूबर का डेटा है तो मैं आपको यहाँ पे देखिए सितंबर का डेटा भी दिखाना चाहूँगा।
ये सितंबर का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 12,611 करोड़ की देखिए बाइंग दिखाई दे रही है FIS की, लेकिन DIS की अगर हम बात करें तो 30,860 करोड़ की हमको DIS की यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन इस डेटा के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 20 सितंबर 2024 को FIS ने क्या किया था, यहाँ पे हमको देखने को बोला था 14,060 करोड़ का इस जगह माल खरीदा था, जो कि एक अच्छी खासी बाइंग हमको यहाँ पे देखने को मिली थी नेट नेट। और उस दिन देखिए यहाँ पे DIS ने जो सेलिंग किया था वो यहाँ पे 4,427 करोड़ की देखिए सेलिंग की थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाला डेटा आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अक्टूबर का डेटा था, और यहाँ पर इस डेटा का बहुत महत्व। अब देखिए इस डेटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि देखिए 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख टोटल हमको कितना माल इस जगह खरीदते हुए दिखाई दिया DIS, यहाँ पे 24,428 करोड़ का माल खरीदते हुए दिखाई दिए। जबकि FIS ने क्या किया है, FIS ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30,719 करोड़ का देखिए माल बेचा है, लेकिन कितना 1 तारीख को देखे, 1 अक्टूबर को देखे 5,580 करोड़ का बिकवाली किया, फिर 3 अक्टूबर को यहाँ पे 15,245 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, फिर 4 अक्टूबर को भी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि आपको ऑलमोस्ट देखिए 9,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमको देखने को मिली। अब ये सारी जो बिकवाली हुई उसका जो पूरा इंपैक्ट पड़ा वो हमारे मार्केट में देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए डाउ जोन का मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाना चाहूँगा, डाउ जोन का चार्ट है, डाउ जोन का चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि 42,350 के समथिंग हमको काम करता हुआ दिखाई दिया, और नीचे जब इसने बॉटम बनाया तो इस बॉटम के साथ देखें यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी हमको क्या दिखाई दे रहा है, दो चीज़ें। जब देखिए ग्लोबल मार्केट को भी अगर आप देखो तो आपको युद्ध दिखाई दे रहे हैं, और जब युद्ध होते हैं तो एक चीज़ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उन चीज़ों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा डिपेंड है, वो है ऑयल। ऑयल के सबसे ऊपर देखिए डिपेंड पड़ता है। अब जब ऑयल के ऊपर डिपेंड होता है तो हम जो लोग इस जगह देखिए इंडिया के जो सरकार है वो जब भी ऑयल खरीदती है तो उसका जो पेमेंट किया जाता है वो डॉलर में किया जाता है, यानी अब हमको डॉलर थोड़ा महंगा पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझ में देखने वाली। अब देखिए यहाँ पे एक और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको देखिए यहाँ पे 500 का मिल रहा है, ठीक है। जब 500 का आपका मिल रहा है, अब युद्ध है, युद्ध की वजह से देखिए टेंशन हो जाती है, और टेंशन होने के वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपकी सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है, सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि हर देश आपका एक दूसरे से मिला जुड़ा है। अब ये देश है, इसकी इसके साथ दोस्ती है, लेकिन इसकी साथ से देखिए दुश्मनी है, ये इसका बहुत पक्का दोस्त है, लेकिन ये आपका देखिए व्यापार में अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके देखिए यहाँ पे इसका क्या चल रहा है, इसका भाई जो बहुत अच्छा रिश्तेदार है, आप इसका समझ लो, आप इसका ये कौन है भाई, इसका देखिए बहुत अच्छा इसके साथ व्यापार होता है, ये कौन है, जो इसका दुश्मन है लेकिन जो इसके साथ काम कर रहा है, तो ऐसे आपकी ये पूरी देखिए यहाँ पे एक साइकिल चलती है। अब उस साइकिल में कहीं पर यहाँ पर गड़बड़ आ गई कि यहाँ पर गड़बड़ आ गई, तो अब ये साइकिल में जो आपका माल होगा वो कहीं ना कहीं देखे महंगा बिचना चालू हो जाएगा। अब उससे देखे सबसे ज़्यादा देखे आपका प्रॉफिट किसको होता है, सबसे ज़्यादा देखे फ़ायदा किसका होता है, वो होता है अमेरिका का, क्योंकि वहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा देखे यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस चीज़ को और समझिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप समझिए कि अभी तक हुआ क्या, हुआ क्या, जो अभी तक रुके हैं ना वीडियो के अंदर उनको अब मेन चीज़ समझ में आएगा। देखिए आपको यहाँ पे अब क्या देखने वाला कि भाई बहुत सारी देखिए चीज़ें हमको देखने वाली, बहुत सारा देखिए युद्ध देखने वाला, ठीक है, मिसाइलें चलते हुए दिखाई दी। अब उसके अंदर देखें यहाँ पे आप सबसे अंदर डेटा को देखिए, भाई डेटा क्या कमाल है यार, मतलब डाउ जोन में अगर आप देखो डाउ जोन में अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली, नेक डेस्क की बात करूँ तो 1-2% के आसपास के देखने वाली, S&P 500 में भी हमको तेज़ी देखने वाली, और देखिए यहाँ पे आपको इसमें भी आपको एक अच्छी तेज़ी देखने वाली। रोल ओवर अगर आप देखोगे तो रोल ओवर आपके सारे इंडेक्स देखिए आपको अच्छी तेज़ी के साथ देखने वाली, यानी अगर मैं टेस्ला की बात करूँ या मैं एप्पल की बात करूँ, तो यहाँ पे नेटवे की बात करूँ तो यहाँ पे इनमें भी तेज़ी हमको देखने को मिली। अब आप देखिए इस जगह अपन ये भी समझ लेते हैं कि जो आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे, इस चीज़ को समझिए, तो इसमें सपोर्ट आ जाता है इसकी साइकोलॉजी प्राइस, ठीक है। अब साइकोलॉजी प्राइस पे आके तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको थोड़े लोगों को और शॉर्ट कराना है,
तो हमको इसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 50,900 से लेके 50,850 तक, ठीक है। यानी ये हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हल्का फुल्का सेलिंग में दे देता है या नीचे की साइड मिलता है तो ये जो प्राइस है ये आपका बाइंग वाला प्राइस रहेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि देखिए जिसको सेलिंग करना था वो स्मार्ट मनी ने ऊपर की साइड सेलिंग कर ली है, ठीक है। अब जो नॉर्मल मनी है यानी अब उनको दिखाई दे रहा है कि भाई सेलिंग हो चुकी है, सेलिंग हो चुकी है, और सेलिंग करो और सेलिंग करो। अब वो यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आएंगे, और वो कब सेलिंग करने के लिए आएंगे, वो सेलिंग करने के लिए जब आएंगे जब ये आपका 51,000 का लेवल को ब्रेक कर देगा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा लोग और सेलिंग के लिए आएंगे, लेकिन फिर बाजार वहाँ से घूम जाएगा, बाजार में तेजी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये लेवल जो हमारा है यहाँ पे देखिए आपका बाइंग वाला लेवल है। अगर यहाँ पे मिलता है तो हम बाइंग करके चलेंगे, जिसमें देखिए हमारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि देखिए 50 इस जगह देखिए 51,100, फिर आपका 51,200, फिर आपका 51,300 और फिर आपका 51,400 तक हम इसमें अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको देखिए यहाँ पे सबसे लेके पहले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, पैटर्न को आप देखिए। देखिए सारा जो खेल है ना वो पैटर्न का है। अब पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाजार है, अब बाजार इस पैटर्न में चल रहा है, ठीक है, इस पैटर्न में चल रहा है बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, 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 ठीक है। अब जो थोड़ा अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है तो जो सेलर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो सेलर बैठे हुए हैं वो यहाँ पे फिर से सेलिंग करेगा। यानी गैप के साथ अगर ओपन होता है या गैप के साथ मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे अगर गैप के साथ ओपन होता है तो उसमें दो कंडीशन, या तो देखिए वो कंसोलिडेट कर रहा है इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है तो हम उसमें वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का। यानी जो 9:15 की हमारी कैंडल है उस 9:15 की कैंडल के अगर ये ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो अपसाइड है, 9:15 की कैंडल पे अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड में जा सकते हैं। लेकिन गैप अप की कंडीशन में हम इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। गैप डाउन की कंडीशन में क्या होगा, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन की कंडीशन में जो हमारा नीचे सपोर्ट है उस सपोर्ट पर हमको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग कर देता है तो फ्लैट ओपनिंग में हमको यहाँ पे कंसोलिडेट चाहिए, फिर कंसोलिडेट होने के बाद आपका जो 51,660 के ऊपर अगर ये आपका कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है तो हम इसमें अपसाइड जा सकते हैं। यानी हम इसमें क्या करके चल सकते हैं, हम इसमें बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए दो चीज़ें इसके अंदर समझ में आ रही है, एक तो बाजार आपका हल्का हो चुका है, जो पहले बहुत ज़्यादा देखिए आपका ओवर प्राइस पे था, अभी आप बहुत सारी कंपनियां देखो तो उनके भी देखिए प्राइस काफ़ी अच्छे, यानी बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या हुआ अमेरिकी मार्केट में भी हमको तेज़ी देखने वाली। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम इसमें अपसाइड जा सकते हैं, जिसमें देखिए ऑलमोस्ट हमारे जो टारगेट होंगे वो इस जगह 51,077, फिर आपका 51,088, फिर आपका 51,099 और फिर हमको देखने को मिलेगा 52,100, 52,200, ठीक है। यानी एक हम रिवर्सल का इसमें प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी गैप अप के कंडीशन में ही हमारी थोड़ी जो चांस है वो पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता तो ब्रेकआउट के साथ देंगे, नीचे की साइड अगर ओपन होता है तो वहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलेगी, जो कि हमारा 50,800 से लेके 50,900 के आसपास हमारा यहाँ पे बाइंग करने का बहुत अच्छा लेवल हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डाउ जोन ने पहले से ही देखे यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, डाउ जोन में एक अच्छी तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात करने की कोशिश की। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।